बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नए आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के तकर्री के नोटिफिकेशन जारी हो गए हैं, इसके रिलेटेड कुछ मालूमात मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। जी, जो आसम मनीर आर्मी चीफ सेलेक्ट हुए हैं और जनरल साहर शमशाद चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर हुए हैं, और जो नोटिफिकेशन के मुताबिक साहर शमशाद मिर्ज़ा की जनरल के ओहदे पर तरक्की और बतौर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तैनाती का तलाक 27 नवंबर से होगा। जनरल साहर शमशाद मिर्ज़ा की बतौर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तैनाती 3 साल के लिए की गई है, और सईद आसम मनीर के जनरल के ओहदे पर तरक्की और बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनाती का तलाक 29 नवंबर से होगा। जनरल सईद आसम मनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनाती भी 3 साल के लिए होगी। इन दोनों ओहदों की तरक्की और तैनाती आयन के पाकिस्तान के आयन के आर्टिकल 243 4 ए बी और आर्टिकल 48 और पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 की सेक्शन 8 ए और 8 डी के तहत हुई हैं।